यहाँ से बद्रीनाथ 35 किलोमीटर है और गोविंद घाट 10 किलोमीटर बता रहा है। तो अगर पहाड़ों पे आप आ रहे हैं तो पहाड़ों पे आने से पहले अपने लिए मतलब गर्म कपड़े जरूर लेके आए। हमने बसें जा रही हैं, सारा ऑफ रोड है, पूरा का पूरा देख सकते हैं काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे बाइक की पार्किंग आ गया है, बाकी आप देख सकते हैं सामने माणा और उधर के आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे होंगे साफ। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। तो दोस्तों आप गोविंद घाट आ रहे हैं तो यहाँ से आपको टैक्सियाँ मिलेंगी। करीब 2 बजे के बाद गोविंद घाट से गांगरिया वे हेमकुंड जाना मना है। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं विश व्लॉग। तो अभी हो गई है सुबह और टाइम हो रहा है 6:45 और हमें जाना है अभी यहाँ से गोविंद घाट, जहाँ से हेमकुंड साहिब का ट्रैक चल होता है। तो हेमकुंड साहिब का ट्रैक जो होता है वो गोविंद घाट से आपको घांगरिया तक जाना पड़ेगा। वो तो वहाँ जाएंगे हम तभी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि हमें भी अच्छे से पता नहीं है। बाकी ये रूम छोड़ने का टाइम आ चुका है और यहाँ से निकलते हैं हम, रेडी हो चुके हैं, बैग अपने रेडी हो गए। बाकी भाई लोगों से बात करते हैं, नीचे बैग वगैरह रखवाते हैं और अभी बाइक बाइक वार्म अप करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो हमें अभी तक 10 मिनट हो गया, 10 से 15 मिनट और ये बसें जो आगे से चल रही है, रोड भी छोटा है और ना हम पास ले पा रहे हैं इनकी वजह से हमें टाइम भी लग रहा है। क्योंकि आप इधर आ रहे हैं तो ये वन वे है और वन वे में मतलब काफ़ी छोटा रोड है और ट्रैफिक भी लग जाता है बीच बीच में, अगर कोई बस आ गई आगे से तो काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। अब जब तक हम नीचे वहाँ ब्रिज तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएंगे इस वाले बस ट्रैफिक से, क्योंकि देख सकते हैं सामने अगर एक बस आ रही है तो बस भी रोकनी पड़ती है। यहाँ से थोड़ा सा ओपन है इसलिए ऊपर छोटा रोड था और जैसे ही वहाँ नीचे हम ब्रिज पर पहुँचेंगे उसके बाद हमारा थोड़ा रास्ता क्लियर होगा। उसके बाद रोड काफ़ी चौड़ा हो जाता, खुल जाता है रोड। तो बाकी अभी नीचे पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं और इस वाले ब्रिज की बात कर रहा था। अब ये ब्रिज जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो राइट साइड को हमको जाना है और फिर रोड काफ़ी मतलब चौड़ा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहीं तक था जो था, थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है और यहाँ छोटे मोटे ढाबे हैं खाने के लिए, तो खाने के लिए तो आपको ढाबे मिल ही जाएंगे यहाँ इस रोड पे, हाईवे पे। तो रोड देख ही सकते हैं, जब ब्रिज ही इतना चौड़ा है तो वहाँ से तो रोड काफ़ी चौड़ी हो जाएगी। और बाकी देख सकते हैं सूर्य देवता भी निकल चुके हैं कब के, यहाँ से बद्रीनाथ 35 किलोमीटर है और गोविंद घाट 10 किलोमीटर बता रहा है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने राइडिंग जैकेट पहनी है, इसके नीचे हमने फुल स्लीव में टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन ठंड हमें लगी रही है क्योंकि तो मौसम काफ़ी ठंडा है और ये डाउन में है, अभी हम डाउन में हैं नीचे तो मौसम तब भी ठंडा है यहाँ पर भी। तो अगर पहाड़ों पर आप आ रहे हैं तो पहाड़ों पर आने से पहले अपने लिए मतलब गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, चाहे वो मौसम गर्मी का हो चाहे ठंड का हो। तो ठंड में तो हम जरूर लेके आते हैं लेकिन गर्मियों में भी ज़रूर लेके आए आप, क्योंकि मुझे तो पता ही था क्योंकि मैं तो मौसम देख के ही आया था। तो मैं भी ज़्यादा मतलब गर्म कपड़े लाया नहीं, मतलब हल्के ही लाया था, लेकिन अब लग रहा है कि ज़्यादा मतलब मोटी जैकेट लेके आनी चाहिए थी। बाकी देखेंगे ऊपर कितना ठंडा है कितना नहीं, क्योंकि ठंडा तो ज़रूर मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं और ये नज़ारे के आप इन्जॉय करें, इस रोड को इन्जॉय करें, ट्रिप को इन्जॉय करें, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ से। सो ये ब्रिज पड़ा है तो सोचा आपको ब्रिज भी दिखा दी जाए और इसके साइड से ऊपर बद्रीनाथ महाराणा साइड से रिवर आ रही है और देख सकते हैं ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, तो काफ़ी ख़तरनाक रोड भी है। तो बरसात जब होती है, अभी तो बरसात है नहीं क्योंकि अभी कल परसों ही बरसात हुई थी जब हम दिल्ली से आए थे, तो बारिश मिली थी हमें और पहाड़ों में भी हुई थी थोड़ी बहुत। और आज मौसम अच्छा है तो सही है, मौसम अच्छा ही रहना चाहिए क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है नहीं, तो इसलिए बाकी छोटे मोटे आपको पैचेस ऐसे मिलेंगे तो आप पूरी तैयारी से आना अपने अगर आ रहे हैं इधर। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो देख के आप कोई गलती मत करना, पूरी तैयारी से आना, अपने मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ लेके आना। गोविंद घाट पहुँच चुके हैं और कैमरा ऑन करना भूल गए थे क्योंकि वहाँ से ऊपर एक गेट था, द्वार था, तो वहाँ से नीचे को आना है। अब यहाँ से गाड़ी जाएगी शायद 13 किलोमीटर है, पता नहीं कितना है,
वहाँ से हमें हमारा ट्रैक चालू होगा शायद, और घांगरिया से जाना पड़ेगा हमें, तो मे भी ऐसे ही होगा, बाकी नीचे जाके पता चलेगा कन्फर्म कि क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट टाइम हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे हेमकुंड साहिब के लिए, तो कोशिश यही रहेगी कि आज ही सेम डे ट्रैक करके आपको दर्शन करवाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। तो अंदर पता नहीं गुरुद्वारे के अंदर कैमरा वगैरह अलाउ होगा कि नहीं होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन बाकी हम आपको ट्रैक पूरा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ दिखाने की। तो बाइक के पार्किंग आ गया है, बाकी आप देख सकते हैं सामने माणा और उधर के आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे होंगे साफ, कैमरे में कैच हो रहा होगा। और पार्किंग वगैरह लोगों ने यहीं लगा रखी है, तो देखते हैं हम भी अपनी बाइक यहीं कहीं लगा देंगे। तो बाकी नीचे भी लगी हुई है, अलग अलग पार्किंग लगी हुई है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और यहां से हमने बाइक पार्किंग पर लगा चुकी है, बाकी अभी गाड़ी लेते हैं। और गाड़ी पता नहीं कहां तक जाएगी, इसमें नाम कुछ बताया था, और यहां से कितना किलो 4-5 किलोमीटर है वहां से हम जाएंगे, और कितना रुपये चार्ज है वो आपको सारी जानकारी देंगे। तो अभी चलते हैं फिर बताते हैं आपको सारी चीज़। तो दोस्तों आप गोविंद घाट आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको टैक्सियाँ मिलेंगी, और कुछ पौंडा कुछ जगह का नाम बताया था, तो ये ब्रिज होते हुए आपको जाना पड़ेगा, और ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो यहीं से आपको जाएंगी। और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं अभी पूछ पाछ के कि कहाँ तक गाड़ी जाएगी और कहाँ से ट्रक चालू होगा। तो दूर दूर तक तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं टैक्सियाँ, और बाइक आप पार्किंग पर लगा सकते हैं वहाँ। बाकी आप इधर आ रहे हैं तो आपको गुरुद्वारे जाके अपना बैग वैग जमा कराना पड़ेगा, अगर आप गोविंद घाट आ रहे हैं तो गुरुद्वारे में आपको लॉकर रूम मिलेंगे। और हमारे हेलमेट थे तो हेलमेट का कोई चार्ज ही नहीं लगा, बाकी वो आपको एक पर्ची देंगे, तो शायद उसका जो भी चार्ज होगा वो हमें पता नहीं है। बाकी मेरे पीछे पार्किंग पे लगी हुई है, तो यहाँ पेड पार्किंग मत देना, यहाँ नॉर्मल पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। और बाकी अभी गाड़ी में बैठते हैं, इसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, तो कृपया 2 बजे के बाद गोविंद घाट से गांगरिया या हेमकुंड जाना मना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर यहाँ आ रहे हैं। तो आपको इस ब्रिज से होते हुए जाना पड़ता है, और ये ब्रिज है यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे। तो यहीं से होते हुए आपको जाना है गांगरिया तक, शायद गांगरिया तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद आपको आगे ट्रैक होते हुए जाना पड़ेगा। गाइस हम पुलना गांव पहुंच चुके हैं, और यहां पर अगर आप आ रहे हैं तो ये पीछे देख सकते हैं यहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आ रखे थे, तो हमें तो ज़रूरत पड़ी थी, हमारा तो खाली स्कैन करा। और ये जो गाड़ी जहां छोड़ती है पुलना करके जगह है, तो यहां से मेन आपका ट्रैक चालू होता है, बाकी अभी आगे जा रहे हैं। और आप आ रहे हैं तो आप मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ, बाकी ऑफलाइन भी हो जाएगा। ऑफलाइन में आपको एक बार कोड स्कैन वो दिया जाएगा, एक बैंड वो आपके हाथ में पहना देंगे आपको, बाकी अब यहाँ से ट्रैक चालू है हमारा। तो मैं आपको यही बता रहा था कि पुलना तक गाड़ी जाती है जिसका पर पर्सन 50 रुपये है जो गाड़ी का चार्ज है, और 5 किलोमीटर है गोविंद घाट से। बाकी यहाँ आपको रहने वहने की जगह भी मिल जाएगी, बाकी ऊपर ट्रैक करते हैं।